हेलो एवरीवन, एफएफडी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक एंटी डायबिटिक रेसिपी लेके आई हूँ। हम सबको पता है कि भिंडी एंटी डायबिटिक है। इसके साथ हमें ये भी पता है भिंडी बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा तेल लगता है, तो आज के खासियत है कि कम ऑयल में भिंडी हम कैसे बनाएंगे। तो चलो देखते हैं हम भिंडी की सब्जी। भिंडी बनाने के लिए क्या सामग्री लगने वाली है वो देखते हैं। भिंडी है, प्याज है और टमाटर है, और उसी के साथ हमें जो भी स्पाइसेस पसंद है वो स्पाइसेस हम डालने वाले हैं। आज मैं धनिया पाउडर डालने वाली हूँ और उसी के साथ थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर तो है ही। कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है। अभी इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालने वाली हूँ। जैसे तेल गरम होगा वैसे हम उसमें अभी जीरा डालने वाले हैं। गैस मैंने सिम पे ही रखा है क्योंकि तेल थोड़ा है तो कढ़ाई जल सकती है अगर मैं फ्लेम ज़्यादा बड़ी रखूँगी तो इसलिए मैंने फ्लेम छोटी ही रखी है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम उसमें जीरा डालेंगे। लगता है तेल गर्म हुआ है, हम थोड़ा सा जीरा डाल के देखते हैं। यस, तो अभी जीरा डालते हैं और थोड़ा सा भूनते हैं। हाँ, क्रैकल हुआ है। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे। गैस धीमी ही रखी है, हमें कम तेल में करना है। और भिंडी के प्याज के थोड़े से बड़े टुकड़े किए हैं तो मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालने वाली हूँ ताकि थोड़ा सा पानी छूटे और ये प्याज अच्छे से पक जाए। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है लेकिन ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, उसका कलर चेंज होना चाहिए, तो मैं ढक के रखती हूँ अभी। इसी के साथ मैं थोड़ा सा अदरक काट रही हूँ छोटा छोटा। देखते हैं प्याज का कलर चेंज हुआ है। अभी उसमें हम थोड़ा सा अदरक डालेंगे और उसी के साथ टमाटर भी डालेंगे। अदरक डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। और टमाटर डालूँगी। टमाटर के साथ ही मैं भिंडी डालने वाली हूँ। हमें मालूम है कि भिंडी है वो थोड़ी सी स्टिकी रहती है। अगर वो जो उसका स्टिकी सब्सटेंस है वो सब्जी में वैसा ही रहे तो खाने का मन नहीं करता है, तो वो निकालने के लिए कुछ खटास डालनी चाहिए सब्जी में हमेशा। भरे हम भरवा भिंडी बनाएं, नहीं तो प्लेन भिंडी बनाएं। हम आमचूर डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, हम नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो बस ये एक छोटी सी ट्रिक है ताकि वो स्टिकी ना बने। कौन सी भी सब्जी डायबिटिक हो, कम तेल में बनाई हो, लेकिन अच्छी बननी चाहिए, टेस्टी बननी चाहिए। जो भी हमें खाना है वो टेस्टी बना के ही खाना चाहिए। आई एम श्योर यू एग्री विथ मी। के ढक्कन निकाल के देखते हैं सब्जी पक गई है कि नहीं। अच्छे से पक गई है। अभी इसमें नमक और सारे मसाले डालते हैं। मेरे पास सी सॉल्ट है, वो डाल रही हूँ मैं। उसी के साथ थोड़ा सा हींग
हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। जब तेल में डालते हैं तो वो अच्छी तरह से सब जगह पे लगता है, सारी सब्जी को लगता है। अभी चिली पाउडर आपके स्वाद के अनुसार आपको डालना है, जिनको तीखा पसंद है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। जिनको गरम मसाला पसंद है वो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स किया है और एक या दो मिनट ढक के रखने वाली हूँ। स्लो फ्लेम पे ही पूरी सब्जी पकाई है मैंने। भिंडी एंटी डायबिटिक है ये हमें पता है अभी, लेकिन हाउ डज इट वर्क? सो द स्टिकी सब्सटेंस इन भिंडी, इट फॉर्म्स अ लाइनिंग इनसाइड आवर इंटेस्टाइन which reduces the absorption of sugar. This is how it works. बाकी के क्या फ़ायदे हैं वो भी देखना चाहिए। भिंडी is rich in vitamins and minerals. It's a good source of dietary fiber. It has anti-inflammatory properties. जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वैसे आज भी कहती हूँ, too much of anything or excess of anything is not good. Generally भिंडी safe है, लेकिन अगर ज़्यादा खाते हैं, कई बार ऐसे होता है कि एंटी डायबिटिक है तो चलो मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में भिंडी की सब्जी खाऊंगी या खाऊंगा, लेकिन अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो इट मे कॉज ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड एबडोमिनल पेन। तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन। ओके, तो आज का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट संडे।